आज दिनांक 5/4/2020 को मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से डिग्री वन ऑनर्स एवं सब्सिडरी के छात्रों के लिए उपयोगी सामाजिक स्तरीकरण संबंधी अवधारणा पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सामाजिक स्तरीकरण प्रायः सभी समाजों में देखा जा सकता है। संसार के सभी संस्कृति और सभी समाजों की जनसंख्या अनेक सामाजिक समूहों में विभक्त होती है। विभाजन के आधार पर समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी होता है और इसके बाद समाजों के आकार बढ़ते चले जाते हैं तथा सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जटिलता भी बढ़ती चली जाती है। समाज की जनसंख्या के आधार पर ऊंचे एवं नीचे स्तरों में बट जाने के बावजूद, जिसमें उच्चता और निम्नता की भावना बढ़ती है, परंतु इसके साथ ही पारस्परिक निर्भरता भी बनी रहती है, जिसके कारण सामाजिक संतुलन भी बना रहता है। वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण समाज की आंतरिक रचना का ही प्रमुख लक्षण है। इसी के कारण व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति संभव हो पाती है। सामाजिक स्तरीकरण के कारण व्यक्ति में उच्च स्थिति या पद प्राप्त करने की जिज्ञासा अथवा प्रेरणा उत्पन्न होती रहती है। वो प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार उनकी प्रगति भी होती है। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि जब व्यक्ति कोई निश्चित पद को प्राप्त कर लेता है तो फिर अपने उस पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का भी प्रयत्न करता है, जिससे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व के भावना का विकास होता है और सामाजिक संगठन एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में पनपने लगती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण के इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन करते हुए यह बताया कि सामाजिक असमानता अचेतन रूप में विकसित एक विधि है, जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थितियां सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरी जाएंगी और प्रत्येक समाज को, चाहे वह कितना ही सरल या जटिल हो, मनुष्यों में प्रतिष्ठा और सम्मान के संबंध में अवश्य विभेद करता है। कहने का तात्पर्य यह कि सामाजिक स्तरीकरण समाज के एक ऐसे खंडात्मक विभाजन के रूप में है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से ऊपर या नीचे का संबंध बनाए रखता है, जो वास्तव में अपने प्रकारात्मक आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। यद्यपि हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकताएं कई कारणों से आवश्यक भी है। इसका मुख्य कारण 2-3 हैं, जिसमें प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्यों में भूख, प्यास, यौन आदि इच्छाएं होती हैं, परंतु इतनी समानता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है। आयु, लिंग, रंग रूप, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर पर्याप्त मात्रा में भिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अगर शक्तिशाली है तो कोई दुर्बल भी है, कोई अगर लंबा है तो कोई नाटा भी है, किसी का रंग अगर श्याम वर्ण है तो कोई श्वेत वर्ण का भी है। इस प्रकार मनुष्य अन्य प्राणी शास्त्रीय आधारों पर भी विभाजित किया जा सकता है। दूसरे रूप में
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सामाजिक स्तरीकरण की उत्पत्ति या विकास मनुष्य अपने आधारभूत भिन्नताओं के कारण ही नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की के लिए भी जरूरी हो जाता है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य की अनेक सामाजिक आर्थिक धार्मिक आवश्यकताएं होती हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ इन आवश्यकताओं का क्षेत्र बढ़ता जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है, परंतु एक मनुष्य केवल अपने ही कार्यों द्वारा अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः समाज में विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं जो कि भिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं और इन व्यक्तियों में उनकी रुचि योग्यता और दक्षता का भी भिन्न भिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर वे एक ही समान कार्य करने लगेंगे जो समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। अर्थात यह आवश्यकता समाज में स्तरीकरण का विकास करती है, क्योंकि भिन्न भिन्न कार्य करने से व्यक्तियों में स्वयं ही ऊंच एवं नीच की भावना उत्पन्न होने लगती है। एक बिंदु और सामाजिक स्तरीकरण के आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसके माध्यम से सामाजिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। वास्तव में सफल और संगठित सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक संतुलन एक आवश्यक शर्त है। इस आवश्यकता को सामाजिक स्तरीकरण या विभेदीकरण ही पूर्ण कर सकता है। वास्तव में इन दोनों से ही श्रम विभाजन की उत्पत्ति होती है, जिससे व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता विकसित होती है और यही पारस्परिक निर्भरता सामाजिक संतुलन में सहायक सिद्ध होता है। अब जहां तक सवाल है कि सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से प्रमुख आधार हैं, तो उन आधारों की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि हम उसे प्राणी शास्त्रीय आधार पर और दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर बांटकर हम इसे देख सकते हैं। प्राणी शास्त्रीय आधार पर जो सबसे प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, उसमें लिंग, आयु इत्यादि की व्याख्या होती है। दूसरे आधार में रेशियल अर्थात प्रजातीय आधार को भी प्रमुखता प्रदान की जाती है। इस प्रजातीय विभेद के आधार पर स्तरीकरण मानवीय भ्रांति का एक उत्तम उदाहरण बन जाता है। यद्यपि इससे मानव को बहुत हानि पहुंचती है, फिर भी यह भ्रांति आज भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। इसी के आधार पर एक प्रजातीय स्तरीकरण को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान या श्रेणी किस प्रजाति को है इसका निर्धारण हो पाता है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आधार में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है इसका आर्थिक आधार। मार्क्स का यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि आर्थिक आधारों पर समाज में वर्ग देखे जा सकते हैं। समाज में सदा ही दो वर्ग होते हैं। एक तो वह वर्ग है जिसका कि संपत्ति, पूंजी या उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, और दूसरा वह वर्ग है जो कि सर्वहारा है। अर्थात मार्क्स ने यहाँ यह बताने की कोशिश की कि ऐसा वर्ग जो अपना श्रम बेचकर अपने आश्रितों का पेट पालता है वह सर्वहारा है। पहले वर्ग की स्थिति संपत्ति पर अधिकार होने के कारण समाज में ऊंची होती है, जबकि दूसरे वर्ग की स्थिति निम्न होती है और इसलिए उच्च वर्ग के आर्थिक शोषण का शिकार सर्वहारा वर्ग को बनना पड़ता है। आधुनिक समाज में भी यही उच्च एवं निम्न वर्ग में हमें किसी न किसी रूप में मार्क्स के अनुसार जो व्याख्या देखने को मिलती है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के रूप में वह स्पष्ट होने लगता है। साथ ही साथ वेवलेन ने भी पावर के आधार पर क्लास की चर्चा की, पेरेटो ने भी पावर के आधार पर वर्ग की चर्चा की। वेवलेन ने कहा कि एक लीजर क्लास है और एक उच्च वर्ग इस तरह का बन जाता है जिसमें समाज में स्तरीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगती है। पेरेटो ने तो यहाँ तक कहा कि इन पावर के आधार पर
जो वर्ग बनते हैं उसमें एलिट ग्रुप भी है और नॉन एलिट ग्रुप भी है। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक वर्ग में स्वयं ही ऊंच नीच का संस्तरण होने लगता है। पूंजीपतियों की सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। जो ताकतवर लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनकी भी स्थिति एक समान नहीं हो पाती है। कोई अगर करोड़पति है तो कोई लखपति भी है, कोई अगर क्लर्क है तो कोई वकील भी है, कोई अगर टीचर है तो कोई वाइस चांसलर भी है। इसका मतलब हुआ कि सत्ता के आधार पर भी, ऑथोरिटी के आधार पर भी, पावर के आधार पर भी हम समाज में स्तरीकरण की रूपरेखा को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि जिसबर्ट ने इसे खंडात्मक विभाजन के रूप में भी दर्शाया है, और जिसबर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि यह एक समाज का इस प्रकार का खंडात्मक विभाजन है जहाँ लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक निम्न की श्रेणी में बटे हुए हैं, तो ठीक नीचे से ऊपर तक उच्च की श्रेणी में भी बटे हुए हैं। सामाजिक स्तरीकरण अन्य आधारों पर भी स्पष्ट करके देखा जा सकता है, जिसमें एक राजनीतिक सत्ता भी है। अर्थात राजनीतिक आधारों पर भी हम समाज में ऊंच नीच की भावना को प्राप्त कर सकते हैं। राजा और प्रजा अथवा शासक और शासित ऊंच नीच का ही स्तरीकरण होता है। यह राजनीतिक स्तरीकरण का ही एक उत्तम एवं सामान्य उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च है। उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राजमंत्री आदि का स्थान आता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से उस राजनीतिक पार्टी की स्थिति उच्च होती है जिसके हाथों में शासन की बागडोर होती है। इसके बाद सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां इस आधार पर राजनीतिक स्तरीकरण को उदाहरण के तौर पर अपने को प्रस्तुत करती है। इन आधारों के अतिरिक्त भी हम सामाजिक स्तरीकरण के कई आधारों की व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति के आधार पर भी, योग्यता के आधार पर भी, शारीरिक क्षमता के आधार पर भी। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय पर प्रकाश डालते समय और परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर देते समय यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया समाज में हमेशा किसी न किसी रूप में उपस्थित रही है और रहेगा, लेकिन इसके आधार अलग अलग होते चले जाएंगे। अब जैसे मैंने यह कहा कि धार्मिक आधार भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। धार्मिक संगठन के अंतर्गत भी स्तरीकरण होता है। सबसे अच्छा उदाहरण ईसाई धार्मिक संगठन है। ईसाई धर्म व्यवस्था का एक अत्यंत संगठित धर्म, और इसलिए इस संगठन ने अपनी धार्मिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अपने धार्मिक अधिकारियों में एक संस्तरण को विकसित कर लिया, जिससे कि सर्वोच्च शिखर पर महामान्य पोप महोदय का स्थान दिया गया है। अंत में सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधारों की व्याख्या करने के उपरांत इसके स्वरूप की भी व्याख्या की जा सकती है। सामाजिक स्तरीकरण के जो स्वरूप हैं, अर्थात जो इसके प्रकार हैं, वो मुख्य रूप से दो रूप में उपस्थापित किए जा सकते हैं। नंबर एक तो खुला स्तरीकरण, और नंबर दो बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण अर्थात क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन और ओपन स्ट्रैटिफिकेशन। क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन से मेरा तात्पर्य, अर्थात बंद स्तरीकरण से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म जिस परिवार में हुआ है तो हम चाह करके भी अपनी स्थितियों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री जो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यक्ष थे, जीएस घुरिया ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि व्यक्ति जन्म से ही एक ऐसे सामाजिक स्थितियों को प्राप्त कर लेता है जिसमें किसी भी प्रकार की योग्यता रखने के उपरांत भी हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति जन्म पर आधारित होती है, अतः इसमें परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह बंद स्तरीकरण का एक उदाहरण है, क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन है। अर्थात भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जब हम जाति पर आधारित समाज की व्याख्या करते हैं तो जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं, ये सारे जन्म पर आधारित हैं, लेकिन कर्म के आधार पर
जो क्लास का निर्माण होता है, जिस वर्ग का निर्माण हम अपने कर्तव्य पर चल करके करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ करते हैं, वह खुला स्तरीकरण है। आज जो करोड़पति है कल वह धनहीन हो सकता है। आज जो मैट्रिकुलेट है, जो इंटरमीडिएट स्तर तक शिक्षा ग्रहण किया है, आने वाले समयों में वह एमए पीएचडी तक जा सकता है। आज जो आज किसी ऑफिस में क्लर्क है, कल वह अपने परिश्रम के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर उस कार्यालय का अधिकारी भी हो सकता है। तो कर्म के आधार पर जितने भी तत्व इस सामाजिक जीवन में लोग प्राप्त करते हैं, वह खुला स्तरीकरण का उदाहरण होता है। और दूसरी ओर जाति एक बंद वर्ग के रूप में है, जैसा कि मजुमदार ने भी कहा है कि कास्ट इज क्लोज्ड क्लास। हम चाह करके भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह सर्वोत्तम उदाहरण है कि बंद स्तरीकरण के लिए हम जाति को संज्ञा देते हैं और खुला स्तरीकरण के लिए अपने कर्म पर आधारित होते हैं, और अपने कर्मों के आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अतः अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण का अध्याय आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके परीक्षा की तैयारी के हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसलिए आज मैंने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में ही इसकी अवधारणा पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की, इसके प्रकार पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की, और इसके प्रमुख आधारों की व्याख्या करते हुए मैंने इसकी आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आप सभी 2020 के परीक्षा में के लिए जो डिग्री वन ऑनर्स एवं सब्सिडरी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, उस सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय के रूप में एक सम्मिलित रूप से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि परीक्षा के समय ये सही प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद। मैं प्रभात कुमार चौधरी पुनः आपको अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 94318-575-00। जब भी आपको आवश्यकता हो, इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके अपने समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं, और मैं सदैव इस कार्य के लिए आपके समक्ष तत्पर रहूंगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं प्रधानाचार्य महोदय को भी, उन्होंने भी बहुत ही तत्परता के साथ हम सभी शिक्षकों को जागृत करके रखा है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में सामाजिक और सांसारिक नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपने घर में हैं, और घर से ही आपके लिए रीडिंग मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, और आप इसका जितना लाभ उठा सकेंगे वह आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।